जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अविनाश मंडल है। मैं पीएच चर्च लछवाड़ी में सेवा करता हूँ, जो कि चकाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि ये सुंदर समय के लिए, आईपीएससी को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए। और मैं धन्यवाद एक बार फिर से देना चाहता हूँ अपने परमेश्वर को कि जिन्होंने आईपीएससी परिवार को इस प्रार्थना आंदोलन में आगे लेकर के आया है कि पूरे भारत के लिए प्रार्थना करने पाए। मैं आप लोगों के सामने एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 34 उसका पहला पद में इस प्रकार से दाऊद बोलता है कि मैं हर समय यहुआ को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति मेरे स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यह दाऊद इस बात को बतलाता है कि हमें, हम सबों को हर समय हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि ये समय अभी कठिन समय है। परमेश्वर के लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कोविड-19 के वजह से लोग परेशान हैं। और भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग इस बीमारी में अपने जीवन, अपने प्राण को खो दिए, अपने जान गंवा दिए। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर दाऊद इस बात को बतलाता है कि मैं हर समय यहुआ को धन्य कहा करूंगा। हमें हर समय परमेश्वर को धन्य कहना है, क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है। परमेश्वर ने हमें बनाया, हम सबों को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया। लेकिन आज हमें आवश्यकता है परमेश्वर के और करीब आने की। हमें परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना और घुटना का जीवन को लेकर के आना है। परमेश्वर के सामने अपने जीवन को लेकर के आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और परमेश्वर हमें एक वादा करता है कि मैं हर समय सदैव तुम्हारे सम्मुख हूं। मुझे सहायता कहां से आती है? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। अगर हमें सहायता चाहिए, हमें मदद चाहिए, हमें अपनी हड्डी की रक्षा चाहिए, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। मेरे प्रियो, हमें ये सुंदर अवसर मिला इन दिनों में कि परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के आ रहा नजदीक। और हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आए, ताकि अपने परमेश्वर को पुकार सके। अब परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी किसी के आंखों से आंसू नहीं बहने देने वाला है, कभी किसी को कठिन परिस्थिति में नहीं रखने वाला है, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है और सदैव वो सच्चा रहने वाला है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हम सबों को इस अवसर को प्रदान किए कि आज हम लोग आपके सम्मुख आपके वचन में से सीखने पाए। आप सचमुच में कहते हैं कि मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। आप एक ऐसे परमेश्वर है जो हमें महामारी से बचाने वाले और हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले आप हैं। आज पूरे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हरेक को सुबुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि जो बीमारी से डॉक्टरों के द्वारा से इलाज किया जा रहा है, भारत सरकार हरेक लोगों को संभाल रही है। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। अब विशेष तौर से मैं भारत के हरेक पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हरेक दास दासी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हरेक को संभालने पाए। और विशेष तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता इस पूरे भारत पर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व पर अपनी दया कीजिए, अपने अनुग्रह को दीजिए, ताकि आपके दास दासी, आपके बेटे बेटी के ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए और सारे लोगों की जान की हिफाजत कीजिए आप, क्योंकि आप परमेश्वर है, आप सच्चे खुदावंत है और आपके सामने देर नहीं है। खुदावंत, आप उत्तर देने वाले परमेश्वर है, क्योंकि दाऊद हमें इस बात को बतलाता है कि यहोवा परमेश्वर सदैव अपने लोगों की दुआओं की तरफ कान लगाए रहता है। हाँ परमेश्वर, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए और हम सबों के ऊपर में एक ऐसा और हम सबों को एक ऐसा अवसर दीजिए कि हम लोग फिर से इस बीमारी से जीतने के बाद में हम लोग आपके सम्मुख आ सके, एक ऐसा धन्यवाद की बलिदान लेकर के जो आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए धन्यवाद देते। आप हर एक को संभालिए और दया कीजिए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं इस दुआ को मांगता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद। कल सुबह फिर से परमेश्वर के दास आप लोगों के सम्मुख होंगे।